Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with the road. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे से होंगे और अच्छे से आप अपना और अपने प्लांट का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक फ़न प्रोजेक्ट और एक ये DIY प्रोजेक्ट है। हम अपने गमलों को तो नॉर्मल तरीके से पेंट करते ही हैं, तो मैंने कुछ अलग तरीके से पेंट करने की कोशिश करी, कुछ अच्छा लुक देने की। और ये गार्डन में रखे हुए बहुत सुंदर लगते हैं और मुझे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जो मैं करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे, आपको नहीं पता कि मुझे कितनी खुशी मिलती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसे बनाने के लिए लिए हैं हमने ये दो गमले, और आप चाहें तो इससे बड़ा साइज ले सकते हैं या इससे छोटा साइज ले सकते हैं। और इस गमले को पेंट करने के लिए लिया है मैंने ये तो एशियन का है, पर आप बर्जर का भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा पेंट है। और ये मैंने लिए हैं पेंट ब्रश, जिससे कि मैं इनकी डिटेलिंग करूंगी। और ये लिए हैं एक्रेलिक कलर डिटेलिंग के लिए, जिसमें जो कुछ भी मैं बनाऊंगी इसमें। और ये दो छोटे छोटे पॉट लिए हैं इस साइज के, मेरे पास दोनों बराबर नहीं थे, इस वजह से मैंने दो छोटे लिए हैं, दो बड़े लिए हैं। ये देखिए इस साइज का है। अगर ये आपके पास नहीं है तो छोटी सी मटकी होती है दिवाली के टाइम हमारे घर पे रहती है, उसका यूज कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप दिए में छेद कर वो भी इसमें लगा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। और गमले को पेंट करने के लिए लिया है मैंने ये ब्रश, और ये लिए हैं दो रस्सी के टुकड़े बराबर करके, और बस। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैंने कुछ नीचे बिछा लिया है जिसके ऊपर मैंने गमला रखा है, क्योंकि पेंट करते टाइम नीचे फर्श में पेंट गिर जाता है जिससे फर्श खराब हो सकता है, तो आप कुछ ना कुछ बिछा लें। इसके बाद चलिए अब इसे पेंट करना स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही जल्दी पेंट हो जाता है ये। अब इन दोनों को अच्छे तरीके से मैं पेंट कर लूंगी, आप चाहें तो डबल कोट भी कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा टिकाऊ रहता है। और अभी हमारे दोनों गमले पेंट हो चुके हैं, और कम से कम आप इन्हें आधा घंटा सूखने के लिए ज़रूर छोड़ दें, क्योंकि इसके ऊपर हम जो दूसरा कलर करेंगे तो वो फैल जाएगा, तो इस वजह से इसको सुखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो हम हैं ये छोटे पॉट जिससे हम हाथ और पैर बनाएंगे, उनको पेंट कर लेंगे। और पेंट करने के लिए मैंने वो एक्रेलिक कलर यूज किए हैं, क्योंकि अगर हम वो बर्जर वाला पेंट या एशियन वाला करेंगे तो इसमें वो जल्दी से होगा नहीं, वो सूखने के बाद निकल जाएगा, इस वजह से मैंने एक्रेलिक कलर इसमें करा है। और आप चाहें कोई भी कलर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने गमला लिया था उसका एक हिस्सा हम ले लेंगे, मैंने दो गमले पेंट करे थे, और इसमें इसकी आंखें बनाऊंगी। आप किसी भी कलर से बना सकते हैं, मैं व्हाइट कलर से बना रही हूँ। और अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लें, इसके बाद ही इसमें पेंट करें, तो उससे बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है और बहुत जल्दी तरीके से हो जाता है। और मैं दोनों तरफ इसकी आंखें,
करना है उसको भी नीचे से इसी तरीके से ले जाकर, तो दोनों हाथ और दोनों पैर इसके हमारे तैयार हो जाएंगे। आप अपने हिसाब से इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे ब्यूटीफुल से प्लांटर और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और मैंने इसमें एक में रखा है कॉलियस और एक में रखा है स्पाइडर प्लांट। तो जो कॉलियस है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लुक नहीं दे रहा है इसमें जितना कि स्पाइडर प्लांट दे रहा है। तो आप ऐसे प्लांट रखें इसमें जो घने हों, चारों तरफ फैले हों, क्योंकि वो एक हेयर का लुक दे देते हैं। और जो दूसरा वाला है वो मैंने थोड़े दिन पहले बनाया था, तभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करना चाहती थी, लेकिन अकेले वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और बनाऊँ, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।